नमस्कार, कोर्ट दिस वीक में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़े इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लॉ कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। पेगासस जासूसी मामले की जांच अब एक कमेटी द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। कमेटी बनाने के ऐलान के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जासूसी के आरोप को नकारा भी है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से 2 पेज का एफिडेविट दाखिल किया गया। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि सरकार का हलफनामा ये नहीं बताता कि सरकार या उसकी एजेंसियों ने जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र कोर्ट के समक्ष स्टैंड लेने के लिए अनिच्छुक है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी जो कथित पेगासस जासूसी मामले से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पेगासस के माध्यम से मोबाइल इंटरसेप्शन के सभी आरोपों से इनकार किया है और समाचार रिपोर्टों के आधार पर मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को सुनवाई योग्य बनाए रखने पर सवाल उठाया है। सीजीआई एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि केंद्र शीर्ष अदालत के समक्ष एक स्टैंड लेने के लिए अनिच्छुक है। कोर्ट ने कहा, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उस पर आप एक हलफनामा क्यों नहीं दाखिल करते, हमें एक स्पष्ट तस्वीर भी मिलेगी। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अगर एक पेज का हलफनामा ये कहते हुए दायर किया जाता है कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो क्या वो सही रहता? जवाब है नहीं। हम देखते हैं कि आप कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं, कोर्ट ने जवाब दिया। यह हलफनामा याचिका के मसलों का जवाब नहीं देता, कपिल सिब्बल ने कहा। ये एक अनुच्छेद 32 याचिका है और ये अत्यधिक महत्व का मामला है जिसमें ये 2 पेज का हलफनामा दायर किया गया है, जगदीप छोकर ने कहा। अगर ये तथ्य खोजने के लिए है तो मैं याचिका से सहमत हूं, लेकिन अगर ये सनसनीखेज बनाने के लिए है तो अनुच्छेद 32 के मकसद से अलग है तो हम असहमत हैं, मेहता ने जवाब दिया। मेहता ने कहा कि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। सीजीआई ने केंद्र से कहा कि जब तक आप जानकारी नहीं देते हम सुनवाई नहीं कर सकते। हम आपको विस्तृत हलफनामे के लिए समय दे सकते हैं और समिति की संभावना भी तय करें। मेहता ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से दायर एक हलफनामे का हवाला दिया जिसमें सरकार पर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया गया था। कोर्ट से यह भी कहा गया कि इस मुद्दे को देखने के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चयन समितियों की सिफारिशों के बावजूद ट्रिब्यूनल में नियुक्ति करने के लिए केंद्र को 10 दिनों का समय दिया है। मंत्री वैभव ने विपक्षी नेताओं, पत्रकारों आदि की जासूसी करने के लिए पेगासस स्पाइसवेयर का इस्तेमाल करने के सभी आरोपों से इनकार किया है। अदालत विशेष जांच दल, न्यायिक जांच और सरकार को निर्देश देने सहित अलग अलग प्रार्थनाओं की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी कि क्या उसने नागरिकों की जासूसी करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। जजों की सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किए, इसके साथ ही राज्य सरकारों से जजों की सुरक्षा को लेकर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर राज्य सरकार रिपोर्ट देने में देरी करती है तो उन पर 1,00,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। झारखंड में जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले के मद्देनजर देश भर में जजों की सुरक्षा पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को न्यायाधीशों की सुरक्षा के संबंध में उपाय करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान ये भी साफ कर दिया है कि इस मुद्दे को केवल राज्यों के जिम्मे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
इस दौरान कोर्ट ने न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी नहीं देने पर राज्य को चेतावनी दी है। साथ ही कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर नहीं करने वाले राज्यों पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल राज्यों ने जवाब दाखिल किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया है कि जज और कोर्ट की सुरक्षा के लिए राज्य की पुलिस बेहतर स्थिति में है, क्योंकि खतरा राज्य विशिष्ट होता है। मेहता ने कहा है कि सुरक्षा राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र इस मामले पर राज्यों का पूरा सहयोग करती है। उन्होंने कहा, अच्छा होगा कि अदालतों की सुरक्षा राज्यों के पास ही रहे, क्योंकि इसमें स्थानीय पुलिस के साथ प्रतिदिन समन्वय की जरूरत होती है। समन्वय की दृष्टि से स्थानीय पुलिस की तैनाती की सलाह है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सवाल यह है कि क्या इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और राज्य किस हद तक न्यायाधीशों, अदालत परिसरों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार हैं, आप प्रत्येक राज्य के डीजीपी से बात कर सकते हैं, उनसे रिपोर्ट के लिए जानकारी ले सकते हैं। इसके जवाब में मेहता ने कहा कि वो दिशा निर्देशों को लागू किए जाने के संबंध में राज्य डीजीपी और गृह सचिवों के साथ मीटिंग के लिए केंद्रीय गृह सचिव से बात करेंगे। इस दौरान कोर्ट ने यह भी पाया कि कई राज्यों की सरकारों ने जजों और जुडिशियल ऑफिसर्स की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर नहीं किया है। कोर्ट ने हलफनामा दाखिल न करने वाले राज्यों पर 1,00,000 का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अगर राज्यों के द्वारा हमारे आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के मामले पर राज्यों ने एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 10 दिन बाद इस मामले पर सुनवाई करेगा। सीजीआई रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस देश में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट। वही अदालत के आदेश का पालन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि केंद्र ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल उन प्रावधानों के साथ क्यों पेश किया जिन्हें ये कोर्ट खारिज कर चुका है। सुनवाई के दौरान बेंच ने ट्रिब्यूनल में खाली रह गई रिक्तियों पर चिंता व्यक्त की है। सीजीआई ने पिछले साल के मद्रास बार एसोसिएशन मामले में फैसले की कुछ टिप्पणियों को पढ़कर सॉलिसिटर जनरल को सुनाया और जहां पर कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को कार्यकारी प्रभाव से मुक्त रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र ट्रिब्यूनल के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा बार बार जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की है, जिसमें मद्रास बार एसोसिएशन मामले में कोर्ट द्वारा रद्द किए गए समान प्रावधानों को फिर से लागू किया गया है। प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि अदालत द्वारा अमान्य करार दिए गए प्रावधानों के साथ बिल क्यों पेश किया गया। पीठ ने यह भी कहा कि केंद्र ट्रिब्यूनल के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा बार बार जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा। सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा कि अदालत के निर्देशों के बावजूद कुछ दिन पहले हमने देखा है कि जिस अध्यादेश को रद्द कर दिया गया था उसे फिर से लागू किया गया है। हम संसद की कार्रवाई पर टिप्पणी नहीं कर रही हैं। बेशक विधायिका के पास कानून बनाने का विशेषाधिकार है, कम से कम हमें पता होना चाहिए कि सरकार ने इस न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद विधेयक क्यों पेश किया है। सीजीआई ने पूछा कि माननीय मंत्री ने सिर्फ एक वाक्य कहा है कि अदालत ने असंवैधानिकता के आधार पर प्रावधानों को रद्द नहीं किया है, हमें इस विधेयक का क्या बनाना चाहिए, न्यायाधिकरणों को काम करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस भी शामिल है। उन्होंने पूछा कि क्या मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए कारणों का बयान कोर्ट को दिखाया जा सकता है। सीजीआई ने एसजी से पूछा, सरकार ने बिल पेश किया है, मंत्रालय ने कारणों का एक नोट तैयार किया होगा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने उत्तर दिया, जब तक विधेयक को अधिनियम का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उनकी ओर से प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। मेहता ने जवाब दिया कि जब तक विधेयक अधिनियम के परिपक्व नहीं हो जाते तब तक मेरी ओर से जवाब देना उचित नहीं होगा। जहां तक वैधता पर सवाल नहीं है, मैं अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। मेहता ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ट्रिब्यूनल से संबंधित मामलों में पेश हो रहे थे, इसलिए एसजी ने बयान देने के लिए एजी के साथ परामर्श करने के लिए समय देने की मांग की है। बेंच ने ट्रिब्यूनल में रिक्त पदों से संबंधित एक मामले पर विचार करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने खाली पदों पर चिंता जताई है।
6 अगस्त को पिछले सुनवाई के दौरान सीजीआई ने ट्रिब्यूनल की रिपोर्टों का एक चार्ट पढ़ा था और देखा था कि न्यायालय को ये आभास हो रहा है कि नौकरशाही नहीं चाहती कि ट्रिब्यूनल कार्य करे। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में महिला अभ्यर्थियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेना को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एक नीतिगत निर्णय है, जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल और ऋकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा है कि ये नीतिगत निर्णय लिंग भेदभाव पर आधारित है, जिसके बाद कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश पारित करते हुए महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश दिए और कहा कि दाखिले कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे और ये भी कहा कि भारतीय नौसेना और वायुसेना ने अपने ही प्राविधान कर दिए हैं कि लेकिन भारतीय सेना अभी भी पीछे है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी या एनडीए की प्रवेश परीक्षा में बैठने का आदेश दिया। अगला इम्तिहान 5 सितंबर को तय। प्रवेश परीक्षा अदालत के आखिरी आदेशों के मुताबिक जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कुश कालरा की तरफ से दायर एक रिट अर्जी में अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए के एग्जाम में बैठने की इजाजत देने की गुजारिश की गई। अदालत के आदेश के संदर्भ में यूपीएससी को अधिसूचना निकालने और उचित प्रचार देने के लिए भी निर्देशित किया गया। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय प्रदीप शर्मा ने पीठ को बताया कि भारत सरकार का कहना है कि ये नीतिगत फैसला है और इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लड़कियों को एनडीए में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी प्रगति या उनके करियर में कोई कठिनाई है। जस्टिस कौल ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा है कि फैसले महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन के देने के बाद भी अब ये बेतुका स्टैंड सरकार क्यों ले रही है। जज ने आगे कहा कि क्या सेना केवल न्यायिक आदेश पारित होने पर ही कार्य करेगी, यदि आप चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे। पीठ को निर्देश देते हुए कहा है कि नीतिगत निर्णय लैंगिक भेदभाव पर आता है। हम प्रतिवादियों को इस अदालत के फैसले के मद्देनजर मामले पर रचनात्मक दृष्टिकोण रखने का निर्देश देते हैं। पीठ ने तब टिप्पणी की कि एएसजी इस मामले पर बहस करने के लिए सहमत हो सकते हैं, भले ही उनका मन इसमें ना हो। जस्टिस रॉय ने कहा है कि अगर ये नीतिगत की बात है तो आप दो तरह से महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं। ऐसा क्यों है कि महिलाओं के लिए प्रवेश का एक और अतिरिक्त तरीका बंद हो? यह सिर्फ एक लैंगिक सिद्धांत नहीं है बल्कि भेदभावपूर्ण है। भाटी ने समझाने की कोशिश की, कुछ छूट दी जानी चाहिए, एक अलग तरह का प्रशिक्षण है, आखिरकार ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। जस्टिस कौल ने टिप्पणी की कि अब आप युद्ध में भी महिलाओं को स्वीकार कर रहे हैं। एएसजी ने जवाब दिया कि लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं को लड़ाकू पायलट्स के रूप में वायुसेना में भर्ती किया जा रहा है, सेना में उनके लिए केवल 10 स्ट्रीम्स खुली। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि आपको कुछ प्रतीकात्मकता के साथ शुरुआत करनी चाहिए, हर समय न्यायिक हस्तक्षेप को मजबूर न करें। कोर्ट ने कहा है कि हम उन लड़कियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहे हैं जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही पीठ ने महिला उम्मीदवारों के खिलाफ लगातार लैंगिक भेदभाव पर भारतीय सेना को फटकार लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट। सीजीआई एनवी रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए की गई सिफारिशों पर मीडिया रिपोर्ट्स को संबोधित करने पर नाराजगी व्यक्त की है। सीजीआई ने कहा है कि प्रक्रिया अभी भी चल रही है और नामों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और मीडिया में नकारात्मक रिपोर्ट न्यायाधीशों और अनुशंसित अन्य व्यक्तियों के करियर को भी प्रभावित कर सकता है। मेरे मीडिया मित्रों को इस पवित्र प्रक्रिया को समझना चाहिए। प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले कि मीडिया रिपोर्ट प्रतिकूल है, गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग से करियर खराब हो जाता है, मैं बेहद परेशान हूं। उन्होंने कहा कि अनुमान पर आधारित रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूं कि वरिष्ठ पत्रकारों ने इस तरह की प्रक्रिया का अनुमान नहीं लगाया, ऐसे पत्रकार हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं बहुत निराश हूं। विभिन्न समाचार आउटलेट्स ने बताया था कि कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए 9 नामों की सिफारिश की थी।
वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की पीठ ने फैसला सुनाया और फैसले में कहा गया है कि चुनाव बाद हिंसा की जांच सीबीआई करेगी। अस्वाभाविक मृत्यु, हत्या और रेप सहित अन्य अधिक महत्व के अपराध के मामलों पर जांच सीबीआई करेगी और ऐसे में जबकि अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मामले की जांच के लिए 3 सदस्य एसआईटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को देगी और आईपीएस अधिकारी सुमन बाला साहू, सोमेन मित्रा और रणबीर कुमार के नेतृत्व में ये सिट गठित होगी। आपको बता दें कि इस एसआईटी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। वह रिपोर्ट भी 6 सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हिंसा मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने एसआईटी टीम के गठन का भी निर्देश दिया है और राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कहा है। एक बेंच द्वारा 3 अलग अलग लेकिन सहमति वाले फैसले दिए गए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार समेत मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अन्य सभी मामलों की जांच एसआईटी को सौंपी। बेंच ने बताया कि एसआईटी की निगरानी कोर्ट भी करेगा। मामले की सुनवाई कर रहे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कहा कि अलग अलग फैसले हैं लेकिन सभी सहमत हैं। अदालत ने रेखांकित किया कि राज्य की सभी एजेंसियों को जाँच के लिए सीबीआई और एसआईटी का सहयोग करना होगा। मामले को अब एनएचआरसी समिति की रिपोर्ट और अन्य कार्यवाही में अन्य मुद्दों से निपटने के लिए एक डिवीजन बेंच के समक्ष रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी के कामकाज की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे, जिस पर बाद में संबंधित न्यायाधीश की सहमति लेने के बाद एक अलग आदेश पारित किया जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि 2 जुलाई 2021 को दक्षिण उपनगर के पुलिस उपायुक्त राशिद मुनीर खान को नोटिस जारी किया गया था कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जा सकती है। इस मसले पर बाद में विचार किया जाएगा। अदालत में समक्ष कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव के बाद की हिंसा में लोगों के साथ मारपीट की गई, उन्हें घर से भगाने के लिए मजबूर किया गया और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया और इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। मामले में 3 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी और हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, हरीश टंडन, सौमेन सेन और सुब्रत तालुकदार शामिल थे। पीठ ने पहले एनएचआरसी अध्यक्ष को चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया था। रिपोर्ट सौंपने के बाद अब अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बिल्डर सिर्फ पैसे का रंग या जेल की सजा समझते हैं। कोर्ट ने रियल एस्टेट फर्म को अवमानना का दोषी ठहराते हुए कहा कि 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बताया भी जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओरियो ग्रेस रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड को 15 लाख रुपए जुर्माने की राशि राष्ट्रीय नालसा के खाते में जमा कराने का निर्देश भी दिया। उपभोक्ता अदालत ने 9% ब्याज के साथ खरीदारों का पैसा वापस करने का आदेश फर्म को दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का जानबूझकर पालन नहीं करने वाली एक रियल एस्टेट फर्म को अवमानना का दोषी ठहराया है। शीर्ष अदालत ने फर्म पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि बिल्डर केवल पैसे का रंग या जेल की सजा ही समझते हैं। शीर्ष अदालत ने आरियो ग्रेस रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड को 15 लाख रुपए जुर्माने की राशि राष्ट्रीय विधेयक सेवा प्राधिकरण या नालसा के खाते में जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही 2 लाख रुपए वाद खर्चे के तौर पर उन घर खरीदारों को देने का निर्देश दिया है जिन्हें अदालत के आदेश के बावजूद फर्म ने रिफंड नहीं किया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने पाया 5 जनवरी को उसने राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के पिछले साल 28 अगस्त के फैसले की पुष्टि की। एनसीडीआरसी ने फर्म को 9% ब्याज के साथ खरीदारों का पैसा वापस करने का आदेश फर्म को दिया था।
पीठ ने बिल्डर से कहा, हमने आपको 5 जनवरी को 2 महीने के भीतर रिफंड का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आपने एक याचिका दायर कर इस आदेश में संशोधन की मांग की थी, जिसे मार्च में ही खारिज कर दिया गया था। अब घर खरीदार हमारे सामने हैं, जिन्होंने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि आदेश के बावजूद बिल्डर ने अब तक भुगतान नहीं किया है। पिट ने कहा, हमें भारी जुर्माना लगाना होगा या किसी को जेल भेजना होगा। बिल्डर सिर्फ पैसे का रंग या जेल की सजा ही समझते हैं। बिल्डर की ओर से पेश वकील ने कहा कि RTGS के जरिए 58,20,000 रुपए का भुगतान किया है और 50,00,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट तैयार है, जिनसे खरीदारों को भुगतान करना है। इस पर पिट ने कहा कि आपको मार्च में भुगतान करना था, लेकिन अब अगस्त में आप कह रहे हैं कि भुगतान करेंगे। आपने जानबूझकर हमारे आदेश का पालन नहीं किया, हम इसे हल्के में नहीं जाने देंगे। इस पर महिला वकील ने कहा कि वह देरी और असुविधा के लिए माफी मांग रही, लेकिन पिट ने कहा, हम माफी को अस्वीकार करते हैं। आदेश का पालन नहीं करने के लिए बिल्डर्स ने हर तरह की रणनीति अपनाई, आदेश का जानबूझकर और स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, इसलिए बिल्डर्स को अवमानना के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। हम निर्देश देते हैं कि पूरी रकम याचिकाकर्ताओं को दिन खत्म होने से पहले पूरा भुगतान कर दिया जाना चाहिए। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 67 के एक प्रोजेक्ट कॉरिडोर के खरीदार शाहीन चड्डा और अन्य खरीदारों ने प्लॉट मिलने में देरी के कारण उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। बिल्डर ने 2014 में इस प्रोजेक्ट के खरीदारों को 48 महीने के अंदर प्लॉट का कब्जा देने का अनुबंध किया था। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।